हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक कोड एक्सेटिंग वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 4 एंड Realme 4 Pro के बारे में। आखिर ये वाले स्मार्टफोन अभी यूरोप की ECC वेबसाइट पर लिस्ट हुए हैं, इनके मॉडल नंबर देखे गए हैं और बताया जा रहा है कि लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से कि Realme 4 एंड Realme 4 Pro बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकते हैं। तो आखिर ये वाला स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिले, क्या इनका प्राइस रहेगा और कब तक ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको डे टू डे मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इन्हीं स्मार्टफोन्स के डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक्सपेक्टेशन है, लीक्स एंड रूमर्स है, मैं कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, बट यहाँ पर जो लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपको जो Realme 4 है वो 10,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलेगा। और जो Realme 4 Pro है उसका भी प्राइस कम किया जाएगा, कम रखा जाएगा दूसरे कंप्यूटर के हिसाब से, तो इसका जो बैक है वो भी आपको पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन के साथ में ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन मतलब एक प्लास्टिक बिल, बट जो फिनिशिंग होगी ग्लोसी फिनिशिंग होगी, तो ऐसे में आपको अच्छा स्मार्टफोन देखने को। दोनों स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अब की बार। और यहाँ पर आपको बैटरी भी पूरे दोनों स्मार्टफोन में 4000 mAh तक की बैटरी 100% देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन देखने को मिल सकती है दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन जो Realme 4 Pro है उसके अंदर आपको शायद से सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले शायद से। अदरवाइज Realme जो 4 आने वाला है उसके अंदर आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। जो Realme 4 आने वाला है Realme 3 का सक्सेसर होगा, उसके अंदर आपको ड्यूल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे जो कि 16+2 megapixel के होंगे। एंड जो Realme 4 Pro है वहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और रूमर्स आ रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है Realme 4 Pro के अंदर आपको शायद से क्वाड कैमरा देखने को मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर अभी 64 megapixel का एक कैमरा की फ़ोटो लेके माधव सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिस्ट की जारी की थी, जिसमें अभी तक ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं दिखा है जिसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल के कैमरे का सपोर्ट देखने को मिले। अब सिंपल सी बात है कि आने वाले स्मार्टफोन्स में ही होगा, Realme X में भी नहीं है, तो शायद से आपको Realme 4 Pro के अंदर 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए और जो 3 सेंसर हैं वो अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो एंड डेप्थ सेंस के काम आ जाए। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है Realme 4 Pro भी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, जो Realme 4 होने वाला है यहाँ पर आपको जैसे कि Realme 3 है, Realme 2 है, इन सभी में जो Realme 3 है इसके अंदर आपको देखना होगा, आप इसके अंदर दिया था MediaTek का प्रोसेसर, तो यहाँ पे शायद से आपको फिर से MediaTek का प्रोसेसर ही देखने को मिले। Helio P90 या फिर कुछ भी ऐसा कोई प्रोसेसर या फिर कोई अलग से लॉन्च कर दिया जाए, तब तक आने वाला टाइम ही बताएगा। शायद से जो 10,000 के अंदर आपको MediaTek का ही प्रोसेसर देखने को मिला Helio वाला, और जो 4 Pro है जो 3 Pro का सक्सेसर है उसके अंदर जो 3 Pro उसके अंदर 710 वाला प्रोसेसर दिया गया है, तो Realme इसको 730 के साथ में अपग्रेड करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे Realme के, शायद से और 730 के साथ में आ जाए स्मार्टफोन। ओवरऑल स्मार्टफोन पैकेज जबरदस्त है और ये एक्सपेक्टेशन है, ये रूमर्स हैं, इन ही स्पेसिफिकेशन के साथ में ये वाला स्मार्टफोन शायद से आ सकता है। जो प्राइस होगी Realme 4 Pro की वो आपको अंडर 15,000 ही देखने को मिलेगी, स्टार्टिंग प्राइस शायद से 13,999 के साथ हो। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार, और एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ जो कि शायद से Realme U2 हो सकता है, यदि उससे रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन हो जाती है, थोड़ी सी हिंट आती है, तो मैं आपके ऊपर उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में स्मार्टफोन से रिलेटेड, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ, जाते जाते बता दूँ, अभी ये स्मार्टफोन नहीं लॉन्च होंगे, यदि आपको कोई स्मार्टफोन लेना है तो अभी के लिए ले लीजिए। यदि आप तीन महीने से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीना रुक सकते हैं, तो इसी इन्हीं स्मार्टफोन्स का वेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।